सो मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। हमने लास्ट क्लास में जब इस चैप्टर को किया था, बेटा हमें इस चैप्टर को किसी भी हालत में इस वीक में खत्म करना ही करना है। मैं और इससे ज्यादा इसमें वेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रिवीजन सीरीज स्टार्ट करनी ही करनी है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई को कंप्लीट किया था। हमें जरा समझना है बेटा कि जो मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और किस किस फैक्टर से चेंजेस आते हैं। एक सवाल आपसे पूछूंगा, पहले आप जरा जवाब दो, क्या आप लोग को डिमांड वाले चैप्टर में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व याद है क्या? अगर तुम लोग को थोड़ा ध्यान हो, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस कैसी रहती थी बेटा? कांस्टेंट होती थी, लेकिन वहां पर डिमांड चेंज होते थे बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो अब हमें ना इसी चीज पे ध्यान से समझना होगा बेटा। सो इन केस अगर आपकी डिमांड में कुछ शिफ्ट आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से इक्विलिब्रियम चेंज होगा कि नहीं होगा। मतलब ये मेरे कहने का कि लेट्स से दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर सपोज करो डिमांड में कोई चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, चाहे तो डिमांड इंक्रीज हो जाए चाहे डिमांड डिक्रीज हो जाए, क्या इसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अफेक्ट होगा? सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से? सो चाहे सप्लाई में चेंजेस आ जाए चाहे डिमांड में चेंजेस आ जाए बेटा, ठीक है, चाहे डिमांड में चाहे सप्लाई में आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो तो अफेक्ट होगा ही होगा। तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होगा और वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, अदर फैक्टर्स क्या क्या होते थे, मतलब प्राइस को छोड़ करके। एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आना, इनकम में चेंज आना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आना, पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होना, या फिर फ्यूचर प्राइस में चेंज आना, क्या इसकी वजह से आपकी डिमांड राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती थी? याद आ गया सब बच्चों को ये चीज? ठीक है, सेम है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व में भी सेम रीजन होता था बेटा कि बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में इनपुट का प्राइस, टेक्नोलॉजी, अदर गुड्स, गोल, ठीक है, या फिर फ्यूचर प्राइस, अगर इनमें चेंजेस आता था तो आपकी सप्लाई भी इधर या तो राइटवर्ड शिफ्ट होती थी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती थी। याद है सब बच्चों को ये पॉइंट? ठीक है, सो इसी के केस पे हमें अब जरा इसके कुछ डायग्राम ध्यान रखना, इसमें ना थ्योरेटिकल कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं, सारा कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझना होगा। पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे बेटा इंक्रीज इन डिमांड से, देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा डिक्रीज इन डिमांड से, देन इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब आप लोग को कुछ बनाना नहीं है, अभी आप लोग को मेरे साथ समझना है कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। ध्यान से देखना जरा, उससे पहले मैं लाइन अच्छी से बना लूं एक बार। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट। ध्यान से देखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इस पे जो है मतलब वो कंफ्यूज हो तो उसी टाइम पूछ भी लेना। अब ये और ये मैंने बना दिया, ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया और ये मेरा डिमांड कर्व हो गया। बेटा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या डिनोट कर रहा है? इक्विलिब्रियम। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा शो कर रहा है इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, सपोज करो डिमांड में इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, तो याद है आप लोग को कि प्राइस आपकी कांस्टेंट होती थी और डिमांड आपका शिफ्ट हो जाता था, याद है? ये पॉइंट सबको याद है या भूल गए? याद है ना कि आपका अगर देखो तो ये प्राइस कांस्टेंट था बट उसकी वजह से लेकिन डिमांड क्या होती थी, शिफ्ट हो जाती थी। तो मैं इसको D1 बोल सकता हूं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर आपका डिमांड यहां से लेकर के यहां शिफ्ट हो गया बेटा तो एक बात बताओ, अब आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आएगा? जहां पर मैंने अभी ये ब्लू कलर से डॉट बनाया वहां पर आएगा? क्या सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है, कि हमारे डिमांड में शिफ्ट हुआ यानी डिमांड हमारा इंक्रीज हुआ तो क्या उसकी वजह से इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
यहां तक सारे बच्चे क्लियर है? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। सो इसका मतलब ये कि जब आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब अब आपकी ये क्वांटिटीज रहेगी और ये प्राइस रहेगी। मानते हो इस बात को सारे बच्चे? ठीक है, कि अब आपका इक्विलिब्रियम ई से इवन शिफ्ट हो गया, तो इसीलिए आपकी जो न्यू इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी और न्यू इक्विलिब्रियम की प्राइस है वो चेंज हो गई, हाँ या ना? अब उसका रीजन समझना बेटा। पहले ना हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करो, एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? मान लो मैंने, तुम लोग को पता है एक बात, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं, एनी आइडिया? ऐसे थोड़ी ना, सेहत, मैं शाबाश, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं यही पॉइंट बोलने वाला था। फिलहाल अब सपोज करो मैंने ना एक स्टॉल खोला, मैगी स्टॉल खोला, ठीक है? मैं मैगी बना के बेचता हूँ। सपोज करो प्राइस मेरी सेम रखी है, मैंने 20 रुपीज ही रखी थी पर प्लेट। पहले एक दिन ना सौम्या आई, ठीक है? सौम्या आई, सौम्या ने खाया, सौम्या को अच्छा लगा। फिर उसके बाद सौम्या ने अपने जितने भी पूरी गैंग है ना सबको बता दिया, सब सबको अच्छा लगने लगा, ठीक है? फिर उसके बाद और लोगों को अच्छा लगने लगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं नोटिस करूं तो प्राइस तो मेरी कांस्टेंट है, बट बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या मेरी डिमांड इंक्रीज हुई? ओके, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, जो प्रोड्यूसर होगा, मतलब मैं जिससे वो सामान खरीदता होगा, वो प्रोड्यूसर जो होगा उसको सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी बेटा। ये जो ग्रीन पोर्शन से मैंने अभी डार्क किया है, यानी उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ई से इवन तक यानी इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए उसको क्या करनी होगी, सप्लाई इंक्रीज करनी होगी, मानते हो? अच्छा, अब मेरा पॉइंट लास्ट, और बहुत ध्यान से सुनना बेटा, प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई कब इंक्रीज करेगा, जब प्राइस, करेक्ट, एज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या चाहता है बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कब करेगा, जब प्राइस क्या होगी। पहला पॉइंट सबको समझ में आया, पहला डायग्राम सबको समझ में आया सारे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्चुअल में जो बच्चों का कंफ्यूजन होता है, वो बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, सर हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। बच्चे मुझसे क्या पूछते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हो इंक्रीज इन डिमांड, तो सर डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है? बेटा पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब, रुको इंक चेंज कर दो एक सेकेंड, पॉइंट ये है बेटा कि जब आपकी डिमांड में शिफ्ट आया, मतलब जब आपकी डिमांड चेंज हुई, तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए आपको सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है? और सप्लाई इंक्रीज तभी होती है जब प्राइस इंक्रीज होता है। अभी सारे बच्चे क्लियर हो गए बेटा? मैंने नहीं, मेरा जो प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि मुझे डिमांड को मीट करना है एज अ कंज्यूमर। आप लोग मेरे से अगर डिमांड कर रहे हो ना, तो मुझे उस डिमांड को मीट करने के लिए अपने सप्लायर से ज्यादा प्रोडक्ट मंगवाना होगा। सप्लायर अपनी विलिंगनेस तभी शो करेगा जब उसको ज्यादा प्राइस पे पैसे मिल रहे होंगे। बात समझ में आई? हाँ, मतलब मैं उस सप्लायर का कंज्यूमर हूं, ठीक है? तो मुझे उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। बात समझे? ओके, ठीक है। अब जरा एक काम करें सब लोग, हेडिंग डालना बेटा इंक्रीज इन डिमांड। एक काम करो, हेडिंग डालो बेटा इंक्रीज इन डिमांड, और सबसे पहले ये डायग्राम बना लो बेटा जल्दी से। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगेन सेम फैक्टर आएगा बेटा। डिक्रीज इन डिमांड में सिचुएशन क्या होगी कि आपका डिमांड डिक्रीज करेगा, हालांकि प्राइस कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन आपका डिमांड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो हम पहले उसके सिचुएशन देखते हैं। पहले हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमने अपना रखा बेटा इक्विलिब्रियम। तो दिस इज सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक, यहां तक तो सारे बच्चे को क्लियर होगा? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो,
हमारी प्राइस कांस्टेंट है बेटा, हमारी ये जो प्राइस है ये कांस्टेंट है, बट डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पॉसिबल हो सकता है ये? आइसक्रीम वाला एग्जांपल याद है ना? क्यों बच्चों, ये बात समझ में आई? एक बात बताओ जैन, लेट सपोज आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाता है तू, पहले ये बता। कौन है, कितने की आती है, बस इतना बता। 60 रुपीज, ठीक है। अब एक बात बताओ, समर्स के सीजन में 60 रुपीज की आती है, तो क्या विंटर्स के सीजन में उसका प्राइस कम हो जाता है? याद आ गया? तो मतलब ये है कि समर्स के प्राइस में भी सेम, मतलब समर्स में भी सेम प्राइस है, विंटर्स में भी सेम प्राइस है, तो प्राइस कांस्टेंट है, बट डिमांड समर्स में हाई रहती है और विंटर्स में कम हो जाती है। तो मतलब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन आपकी डिमांड डिक्रीज हो गई। बात समझ में आई सब बच्चों के? अच्छा, तो अगर आप नोटिस करो बेटा, तो पहले आपका इक्विलिब्रियम ई पे था, अब ये इक्विलिब्रियम इस ब्लैक पॉइंट पे आ जाएगा बेटा। क्यों बच्चों? क्योंकि अब आपका जो न्यू डिमांड है, न्यू डिमांड का वो सप्लाई को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से अब आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हुआ। अच्छा, और अगर आप नोटिस करो बेटा, आप यहां पर, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने की वजह से अब आपका जो मतलब वो है प्राइस है वो भी, हाँ प्राइस क्या हो रहा है बेटा, और क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है, डिक्रीज बेटा। वो इसलिए हो रही है क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम में आपको अपनी सप्लाई को क्या करना पड़ रहा है, और सप्लाई कब कम होती है, जब प्राइस और क्वांटिटी, इसीलिए वो क्या करते हैं, क्वांटिटी सप्लाई कम करते हैं। पहले बताओ ये समझ में आया, तो फिर मैं सिचुएशन बताऊं कि ये क्यों होता है। अब जरा सिचुएशन देखते हैं बेटा। सिचुएशन सेम आइसक्रीम वाले एग्जाम्पल पे लेते हैं, है ना। लेट सपोज मैं आइसक्रीम सेलर हूं और आप सारे हो गए कस्टमर्स हो गए, और मैं किसी प्रोड्यूसर से वो आइसक्रीम मंगवाता था, ठीक है। अब खुद सोचो बेटा, समर्स में मैं उससे अच्छी खासी आइसक्रीम अपने पास मंगवाता था, मतलब वो प्रोड्यूसर से मैं मैक्सिमम सप्लाई करवाता था। बट सिंस अब उसको, अच्छा नहीं, आइसक्रीम का एग्जाम्पल आ नहीं पाएगा, रुको रुको रुको, एक सेकेंड। आइसक्रीम नहीं, हम एग्जाम्पल लेते हैं किस चीज का, क्योंकि प्राइस कम करनी है ना तभी सप्लाई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा जरा। लेट सपोज कोई ऐसा कॉस्ट गार्मेंट्स बताओ जो फैशन में नहीं है, चाहे वो लड़कों, बेल बॉटम, वो चलो बेल बॉटम ही ले, ठीक है। हाँ बॉयज के बेल बॉटम, ओके। अच्छा तुम लोग को याद है ना कि बेल बॉटम वो एक जीन्स होती थी, मतलब कपड़े होते थे बेटा, जिसमें अगर एक्चुअल में लोग पहन के निकल ले ना, तो आपको गंदगी देखने को नहीं मिलती थी। क्या है ना, आदमी चलता हुआ जाता था, सफाई करते हुए जाता था, उस टाइम का सफाई अभियान वहीं से शुरू हुआ था, याद है ना? हाँ, है ना, वही चीज थी। हाँ, सो अब एक बात बताऊं, सिंस मार्केट में उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जा रही है ना, मान सकते हो इस बात को, ठीक है। तो अगर सप्लायर मुझे कम प्राइस पे भी सप्लाई करना चाहे, मैं खरीदूंगा, मे बी क्यों, जब मुझे पता है मार्केट में मेरा सामान बिकना ही नहीं है, तो मैं प्रोड्यूसर से ज्यादा सामान क्यों खरीदूंगा, चाहे वो सस्ता है सामान भी बेच दे तो। नहीं, तुम खुद बताओ ना, तुम एज अ कस्टमर अगर तुम्हें बेल बॉटम वो ट्राउजर्स पहनने हो जो कि आउट ऑफ फैशन हो चुका है बहुत पहले से, तो तुम खरीदोगी? नहीं खरीदोगी ना, पक्का ना, है ना। सो दिस इज हाउ कि फिर प्रोड्यूसर को बेटा अगर प्राइस भी कम करनी पड़ती है, बट फिर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो उसको अपनी सप्लाई भी क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, क्योंकि जब जब जैसे ही उसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो उसका प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो भी कम हो जाता है, और अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो वो सप्लाई भी कम से कम करेगा। क्लियर सारे बच्चे? क्योंकि वो यही बोलेगा ना कि मैं क्यों बनाऊं ज्यादा सामान जब मुझे प्रॉफिट होना ही नहीं है। बात समझे सब लोग? सारे ओके, बस इस डायग्राम को जल्दी से बनाओ।